गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है उसमें हम काउंटिंग अप ट्रायंगल का पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको एक होमवर्क दिए थे पार्ट 1 में कि इस फिगर में आपको ट्रायंगल काउंट करना है, ओके। इस फिगर में आपको ट्रायंगल काउंट करना है, ये था पार्ट 1 का वीडियो का स्लाइड, इसमें आपको ये क्वेश्चन हम पूछे थे कि इसमें ट्रायंगल कितना है, ठीक है। अभी आपका कितना आया ये तो मुझे पता नहीं, फिर भी आप कमेंट में बता दीजिए। पार्ट 1 में इस ट्रायंगल में ये बेस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और कितना ट्रायंगल आता था उसका प्रोसीड्यूर भी बताए थे कि आपको इस बेस में देखना है कितना ट्रायंगल आ रहा है, और ये पार्ट 1 है तो इस बेस में कितना ट्रायंगल आ रहा है उसको 1 2 3 करके दे देना, और उसके बाद उसको समेशन कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस होम टास्क को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मतलब कब, ये आपका कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10 1 15, ये भी 15, ठीक है, 15 15 30। देखिए उस वीडियो में हम आपको एक डिफरेंस दिए थे कि ये जो लाइन है ये जॉइंट है इसमें, ठीक है। तो कितना ट्रायंगल आएगा आप खुद ही देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो 30 आ गया, उसके बाद ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और इसमें आप देख लीजिए ये फिगर थोड़ा अच्छा है, ये 1 2 3 4 5, ये तो 30 आ गया, ठीक है। और इसमें ये एक ट्रायंगल है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, इतना हुआ 4, दैट इज इक्वल टू 34 ट्रायंगल आ गया का आंसर, ठीक है। पर ये ट्रायंगल नहीं है, देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अलग है, इसलिए ये एक ट्रायंगल नहीं बन सकता, नहीं तो 35 आंसर होता, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। इस पार्ट 2 में आपको हम स्क्वायर दिए हैं, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आपको काउंट करना है, ठीक है, अच्छी तरह से सुनिए, स्क्वायर दिए हैं, स्क्वायर के अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल, दो डायगोनल हम ज्वाइन कर दिए, उसके बाद कितना ट्रायंगल आता है, आप क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, फिर इसको, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, उतना जब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको एक अच्छी तरीके ट्रिक देंगे, प्रोसीड्यूर देंगे, आप प्रोसीड्यूर को फॉलो कीजिए और आपको 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड में आप आंसर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब 1 2 3 4, पहले तो इस तरह का काउंट कर लेना है, कितना हुआ, 4 पर ख़त्म हुआ, 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 ट्रायंगल, ठीक है। प्रोसीड्यूर क्या है, पहले जो स्क्वायर है उसके अंदर का ट्रायंगल काउंट कीजिए 4, उसके बाद हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 4 × 2 = 8। तो इसमें क्या है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर ख़त्म हुआ तो 8 × 2 दैट इज इक्वल टू 16 ट्रायंगल, ओके। सो इसमें ये फिगर 3 है, इसमें कितना ट्रायंगल है आप बता सकते हैं, खुद जल्दी आप बता सकते हैं, मुझे पता है आप लोग जीनियस हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12 ट्रायंगल। हाँ, अब ये बताइए इसमें कितना ट्रायंगल है, आपको कैसे पता लगाना है, देखिए ये एक स्क्वायर है, आपको स्क्वायर पहले पता करना है, ठीक है, कितना स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है पूरा बड़ा, ये बड़ा वाला एक स्क्वायर है और ये एक छोटा वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर हमारा कितना है, स्क्वायर 1
ये स्क्वायर टू, स्क्वायर वन में जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इस, ये जो दोनों है उसका डायगोनल है, और ये दोनों भी जॉइंट है, ये दोनों देखिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसमें कितना ट्रायंगल है, कैसे काउंट करेंगे, जिस तरह का यहाँ पे कर रहे थे, देखिए ये बड़ा वाला को अगर हम सेपरेट कर दें ना, सेपरेट कर दें बड़ा वाला को, तो इस तरह का फिगर आएगा, इस तरह का कुछ फिगर आएगा। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ट्रायंगल आएगा। तो 8 दूने 16, ये बड़ा वाला में आ गया कितना, 16। और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ये भी कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं, एक इसको छुपा लीजिए, ठीक है, बड़ा वाला को छुपा लीजिए, अभी छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका उसका फिर जो अंदर ट्रायंगल है उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, तो कितना हुआ, 8 दूने 16, तो टोटल कितना हुआ, 16 प्लस 16 16 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 32 ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा कि कितना ट्रायंगल कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। पहले तो आप इस तरह का काउंट करते थे, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, फिर इस कॉर्नर को लेके दो ट्रायंगल है, इस कॉर्नर को लेके दो ट्रायंगल है, इस तरह का काउंट नहीं करना है। एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट भी नहीं होगा, ठीक है, आपको जल्दी ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और वीडियो देख के आप समझ पाए हैं, तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका फ्रेंड्स भी बेनिफिट पा सकें इस वीडियो से, ठीक है। आगे भी और इंटरेस्टिंग पार्ट्स हम लाके आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।